I'm grade 7. How are you students? Hope all of you are fine. Students, last time unit number 10 का question number 1 and 2 के the short questions. Today's our task is do the question number 3, 4 and 5. So after doing this, short questions are completed. अच्छा जी, question number 3 है, describe the function of the favorite folder. How it is different from the history folder. कि favorite folder जो है हमारे पास, उसका क्या function होता है और कैसे ये different है history folder से. बेसिकली वेन वी बुक मार्क अ वेब पेज, बुक मार्क होता है कि आप कहीं पे कोई पेज को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई मार्क, जैसे हम पढ़ते हुए नहीं बुक पे कोई ऐसे मार्क लगा देते कि यहां से हम इसको कंटिन्यू करना है कल या परसों, वो है या जो भी अपनी फर्दर यूज के लिए हाईलाइट कर देते हैं, वो बुक मार्किंग होती है. वेन वी बुक मार्क अ वेब पेज द ब्राउजर सेव्स द यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो एड्रेस आप देते हैं वो लोकेटर उस जगह का एक अपना यूनिक होता है. ऑफ द पेज इन फेवरेट्स फोल्डर, जब आप बुक मार्क करते हैं किसी वेब पेज को तो वो आपके फेवरेट्स फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है. वी कैन सेव आवर रिक्वायर्ड वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट को जो भी होती है उसको सेव कर सकते हैं फेवरेट फोल्डर के अंदर जो हम बाद में यूज करते हैं. अब फेवरेट फोल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री फोल्डर बिकॉज फेवरेट फोल्डर सेव्स यूआरएल्स ऑफ यूजर्स डिजायर, जो हमारी मर्जी होती है वो उस पे फाइल को सेव करता है. एंड द हिस्ट्री फोल्डर स्टोर्स ऑटोमेटिकली, जो हिस्ट्री फोल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली वो फाइल्स को सेव करता है जो आपको क्या कर रहे होते हैं, दैट यू विजिटेड द वेबसाइट, जिनको आप विजिट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब, हम वेब से कैसे इन्फॉर्मेशन को लोड करते हैं. वी कैन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब बाय क्लिकिंग ऑन द टूल्स बटन, टूल्स बटन में जाके ऑन द इंटरनेट ब्राउजर. वी कैन देन क्लिक ऑन सेव एज इन द फाइल मेन्यू, हम फाइल मेन्यू से सेव एज पे पहले क्लिक करते हैं, पहले टूल्स बटन में से उस फाइल को क्लिक करके लेके आते हैं. फिर फाइनली वी कैन सिलेक्ट अ नेम एंड अ लोकेशन फॉर सेविंग द फाइल, फिर आपको उसको उसकी लोकेशन को सेंड करना, सेव करना पड़ता है कि किस जगह के ऊपर आप उसको सेव कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ कैन वी फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब विद द हेल्प ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन को यूज करते हुए हम कैसे किसी फाइल को कोई इन्फॉर्मेशन वेब से फाइंड कर सकते हैं. आपको पता है गूगल इज अ सर्च इंजन, आपने कुछ सर्च करना हो तो आप उससे करते हैं. वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब बाय एंटरिंग सम कीवर्ड्स, आप गूगल के ऊपर लिखे ना अगर ए, तो ए से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स रिलेटेड वेबसाइट्स होती है ना वो सब नीचे लिस्ट आ जाती है. सर्च इंजन, फिर आप उसे क्लिक करते हैं सर्च बटन के ऊपर कीवर्ड से, द सर्च इंजन स्टार्ट सर्चिंग, वो सर्चिंग स्टार्ट कर देता है द वेब फॉर पेजेस दैट कंटेन्स दोज कीवर्ड्स एंड डिस्प्ले देम इन अ लिस्ट. ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिकली करके देखा कि आप गूगल पे जैसे ही बी लिखें या एस लिख दें तो एस से आगे जितने भी वर्ड्स की होती है ना वो आ जाती है. अब सर्च करने पे बटन पे क्लिक करते हैं तो जितनी वेबसाइट की लिस्ट होती है वो नीचे आ जाती है और आपको जो चाहिए होती है आप उसको सिलेक्ट करके फर्दर कर सकते हैं. यूनिट नंबर 10 में वही है कि क्वेश्चन 3, 4 को आपने 5 इनको लर्न करना है, क्योंकि आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू.